हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है सुबह का 7। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो कूड़ा है ना वो बाहर निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से कूड़ा वाला जो है बहुत जल्दी आ जा रहा है, मतलब सुबह सुबह आ रहा है, इसीलिए मैंने पहले कूड़ा को बाहर कर दिया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अजविक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो आज अजविक को दूंगी पोहा, और ये जो मतलब काम होता है ना सब डाल के रखना, ये मैं रात को ही करके रखती हूँ कि सुबह मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए। बट ये मैं जब पोहा बनाने गई थी तब देख रही हूँ मूंगफली ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैं डाल दिया। और आज मैं थोड़ा सा ही पोहा बनाऊंगी, क्योंकि सिर्फ अजविक के लिए बना रही हूँ। हम लोग थोड़ा सा लाइट मतलब हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे, तो अजविक के लिए जब बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा ही बना रही हूँ। सिर्फ मूंगफली को फ्राई करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा किशमिश डाल दूँगी, क्योंकि प्याज और ग्रीन चिली तो उसको देना नहीं है, तो वही सिंपल सा बनाऊँगी। तो ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए अभी देखिए हो गया पोहा रेडी। तो आज अद्विक के टिफ़िन में है पोहा, तो मैं थोड़ा सा ही बना के देती हूँ। तो और फ्रूट्स में दे रही हूँ यहाँ पे नाशपाती, और मैंने यहाँ पे दूंगी उसके साथ केक, जो अद्विक को इस तीनों में से केक की ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी देखना अद्विक आके पूछेगा ये क्या है, तो उसको पहले ही टिफ़िन अपना देखना है क्या क्या दिए हूँ, तो मनपसंद का नहीं होता तो ये गुस्सा हो जाता है। तो अभी अद्विक का हो गया रेडी टिफ़िन। तो अद्विक को जाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अद्विक के जाने से पहले जितना भी मतलब किचन फैला हुआ रहता है ना, वो मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। उधर मैं कुकर में दाल भी रेडी करके रखा, क्योंकि अभी सीटी लगाना है। तो सीटी लगते लगते मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में है सत्तू का शरबत। तो ये बहुत दिन बाद हम लोग फिर से पी रहे हैं, मतलब शादी के बाद बोल सकते हैं ये फर्स्ट टाइम, मतलब अभी कुछ दिन से पीना स्टार्ट किया ये शरबत, क्योंकि पहले तो पीते थे अच्छा भी लगता था। तो क्योंकि अभी गर्मी भी है, थोड़ा सा ठंडा भी रहता है और लाइट भी रहता है ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा चीनी और पानी और लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो फिर अच्छा लगता है ये सुबह सुबह, मतलब जिस दिन ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करना होता है ना, उस दिन ऐसे ये भी एक ब्रेकफास्ट है जो जो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, चलिए अभी तो हो गया मेरा रेडी, अभी ब्रेकफास्ट करके फिर नेक्स्ट क्या काम है करना पड़ेगा, और आप लोगों को भी शेयर करूँगी मैं आज पूरा दिन सुबह से लेके दोपहर तक मैं क्या क्या करती हूँ, वही आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो पहले ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ इस रूम का जो बेड है इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस रूम पे हम लोग नहीं सोते हैं। तो अद्विक जब होमवर्क वगैरह करते हैं ना तभी आके इस रूम पे हम लोग बैठते हैं, तो इसीलिए एक बार क्लीन करने से ना ये ऐसा ही रह जाता है। और यहाँ पे देखिए ये आयरन वाला कपड़ा है जो कल दे के गया, तो अभी इसको भी सेट करना था, ये भी मैंने किया नहीं। तो अभी वगैरह वेट वगैरह क्लीन करने के बाद एक बार कभी आके मैं कर दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं इस रूम में सोफ़े का जो कुशन है इसको सेट करने, क्योंकि इस रूम पर ना हम लोग ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, क्योंकि मैं भी टी वी देखती हूँ, अद्विक को इसी रूम में खेलते हैं, तो ये रूम थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी मेरा मतलब इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ डाइनिंग टेबल का जो कवर है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो रहा है इसको मैं लगाई थी, और वाइट कलर है ना थोड़ा सा गंदा समझ में आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये येल्लो वाला कवर जो मुझे बहुत ही पसंद था। तो अभी क्या करें, मैंने इसको इतना यूज़ किया ना, तो इतना वॉश होने के बाद इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हो गया, तो इसीलिए मैं क्या किया यहाँ पे ऊपर से ये रनर डाल दिया, तो ऐसे अच्छा लग रहा था देखने में। तो उसके बाद जो मेरा ये ट्रांसपेरेंट वाला कवर है इसको मैं डाल दूंगी। तो आज भी ना थोड़ा सा डाइनिंग टेबल में चेंज करूंगी, चेंज मतलब यहाँ पे नया एक फ्लावर्स रखूंगी, जो टीवी के सामने था मेरा फ्लावर्स उसी को मैं यहाँ पे फूल देके रख दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये सब काम करते करते मेरा यहाँ पे हो गया दाल बॉयल, तो अभी बनाऊंगी मैं लंच के लिए दाल। तो आज दाल में थोड़ा सा मैं प्याज डालूंगी, मैं आज क्योंकि मसूर दाल बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा प्याज डाल के मैं बना रही हूँ। तो ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए। तो
दाल तो हो गया मेरा रेडी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कुछ बर्तन हैं जिसको मुझे क्लीन करना है, मतलब सब बर्तन नहीं, जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो नॉनस्टिक वाला फ्राई पैन या ग्लास का कुछ मतलब डिश है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो मैं खुद से ही करती हूँ, मैं किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि ये बहुत हल्का हाथ से करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जब भी उसको यूज़ करती हूँ ना, मैं खुद ही करके साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा अभी साफ़ हो गया। उसके बाद तो आप लोगों ने देखा मेरा दाल रेडी हो गया, उसके साथ तो मुझे कुछ सब्जी बनाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज दही परवल बनाएंगे, तो आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों से बात करते करते मेरा हो गया सब, जितना बर्तन मुझे क्लीन करना था मैंने क्लीन कर लिया। और ये देखिए कितना सारा परवल है, क्योंकि परवल फ्राई और ऐसे दही परवल बनता है तभी अच्छा लगता है खाने में, तो परवल उतना पसंद नहीं है। तो ऐसे परवल काटते करते मैं बोल रहा है कि अद्विक के स्कूल जाना है 11:30 बजे, मतलब अद्विक के स्कूल किड्जी में नहीं, अभी जो नया एडमिशन करेंगे ना फर्स्ट में अद्विक को, उसी के लिए अभी जाना है सर्वोत्तम स्कूल में। तो क्योंकि मृणमय ने 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन पे, तो अभी स्कूल पे फ़ोन करके पूछा तो वो ऐसे ऑनलाइन पे नहीं होगा, तो जाना पड़ेगा, तो मृणमय मुझे भी लेके जा रहा है। तो बोल रहे 11:30 बजे तक निकलना है, क्योंकि अद्विक 1 बजे तक अद्विक का छुट्टी हो जाएगा, तो अद्विक को भी लेके आना है। तो इसीलिए मतलब 11:30 बजे जाएंगे तो 10-15 मिनट तो जाने में टाइम लगता है जाने आने में, तो 11:30 बजे निकलेंगे तभी आके पहुँचेंगे 12:30 बजे 1 बजे। तो इसीलिए मैंने सोचा 1-1.5 घंटे में अभी कैसे जल्दी करूँ, क्योंकि घर का काम तो ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ एक खाना बनाना है और गैस साफ करना है, फिर मुझे नहा के पूजा देना है। तो 1-1.5 घंटा में देखती हूँ क्या होता है। तो ये बात करते करते देखिए मेरा परवल को फ्राई हो गया, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूंगी ऑयल। तो इस परवल के साथ जब मैंने काटा आप लोगों देखा आलू भी दिया, तो आलू आप लोग दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि मेरे घर पे आलू बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं आलू दे रही हूँ। तो इसमें हल्का सा मैंने दे दिया गरम मसाला, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी आलू। तो आलू को भी अच्छे से अभी फ्राई करना होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक दे के फ्राई करूँगी। तो अभी देखिए आलू फ्राई हो गया, तो अभी इसमें दूंगी मसाला। तो मैंने आप लोगों को बोला मुझे थोड़ा सा जल्दी है, इसीलिए मैंने मसाला सब आलू के साथ ही मैंने ऐसे दे दिया। तो मेरे पास टाइम होता तो मैं आलू को निकाल के फिर मसाला को फ्राई करती, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। तो मसाला में मैं दे रही हूँ हल्दी, नमक, फिर नमक तो मैंने पहले ही दे दिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, फिर जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब दे के थोड़ा सा मैं यहाँ पे दे रही हूँ चीनी। तो चीनी देने से क्या होता है ना, कलर थोड़ा सा अच्छा आता है और थोड़ा सा हल्का मीठा मीठा भी होता है, अच्छा लगता है। तो अभी इसको देखे अभी मसाला को अच्छे से फ्राई करना होगा। तो जैसे फ्राई हो जाएगा ना मैं थोड़ा सा पानी दे दूंगी, क्योंकि आलू को थोड़ा सा बॉयल होना चाहिए। तो अभी आलू बॉयल होते होते मैं यहाँ पे जो परवल है उसी को भी मैं दे दूंगी, तो परवल भी इसके साथ अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो जैसे बॉयल हो जाएगा ना तो उसके बाद मुझे देना है मेन चीज़ जो दही, क्योंकि मैं बना ही रही हूँ दही परवल। तो ये देखिए ये अच्छे से अभी थोड़ा सा टाइम देना होगा बॉयल करने के लिए, और ऊपर से मैंने एक दे दिया ग्रीन चिली। तो अभी ये देखिए आलू हो गया मेरा बॉयल, अभी यहाँ पे मैं दूंगी दही। तो मैंने क्या गलती कर दिया पता है, ऐसे ही मैंने दही डाल दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे तो नहीं देना था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना हो रहा था, इसीलिए मेरा ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मैं क्या करूं। तो ऐसे दही को मुझे फेंट के देना है, तो बाद में जैसे याद आया तो फिर जितना बाकी था दही देना, तो ऐसे मैंने मिक्स करके दे दिया। तो अभी दही देने के बाद 4-5 मिनट इसको अच्छे से पकाना है, उसके बाद आपको गरम मसाला दे के इसको निकाल देना है, तो हो जाएगा दही परवल रेडी। और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो मैंने आज जल्दी बनाया, पता नहीं कैसा बना। तो ये देखिए हो गया रेडी। तो ये सब रेडी होने के बाद अभी जाऊंगी मैं गैस को साफ करने, तो गैस वगैरह साफ करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो ठीक है चलिए आप लोग देखते रहिए। तो अभी देखिए गैस मेरा क्लीन हो गया, होने के बाद मैं यहाँ पे राइस को चरा के जा रही हूँ नहाने, तो फिर यहाँ पे राइस भी हो जाएगा, मेरा नहाना भी हो जाएगा। और ये देखिए मैं बाद में आप लोगों को एक बार दिखा दिया कि मेरा सब बर्तन क्लीन हो गया और मेरा राइस भी बन गया और हम लोग निकल भी गए।
तो अभी हम लोग निकल गए, मतलब आप लोगों को बताया कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब इतना जल्दबाजी में, मतलब 11:30 सोचे थे निकलेंगे तो उससे पहले ही निकल गया, बहुत जल्दबाजी में किया। तो ठीक है चलिए अभी जाते हैं, क्या बात होता है ना होता है आप लोगों को सब बताऊंगी। तो ठीक है चलिए अभी चलते हैं जल्दी फिर, क्योंकि 11:30 इसीलिए जा रहे हैं, अद्विक को 1 बजे लाना भी है, तो 1 बजे से पहले हम लोगों को आना भी है और 1 बजे वो मतलब ऑफिस बंद भी हो जाएगा, तो इसीलिए 1 बजे से पहले हम लोगों को करना है जो भी काम है। ठीक है चलिए अभी चलते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी हम लोग स्कूल के अंदर आ गए और अभी वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अद्विक का बहुत मन था आने का बट उसका स्कूल के वजह से आ नहीं पाए, तो इसीलिए आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर दे रही हूँ वीडियो और अद्विक देखेगा ना बहुत ही खुश हो जाएगा। तो अभी हो गया हम लोगों का काम, तो अभी हम लोग निकल जा रहे हैं। तो ठीक है चलिए अभी गाड़ी में जाके आप लोगों को बताती हूँ क्या बोला। तो अभी हो गया स्कूल का काम और अभी निकल गए हम लोग, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट टाइम लगा। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसे एक किट मिला है और इस सैटरडे नहीं नेक्स्ट सैटरडे उसका एडमिशन टेस्ट होगा एक, तो वो क्लियर कर पाएगा तो उसके बाद ही एडमिशन हो जाएगा अद्विक का। तो और 2 स्कूल ही है हम लोगों का, मतलब ये सर्वोत्तम और एक है लोटस वैली, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों का मन है सर्वोत्तम में क्योंकि मृण्मय ने क्या किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद स्कूल से पता चला कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसमें होता नहीं है क्योंकि इसमें सीट नहीं नहीं होता नहीं है ना, क्या हुआ वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला था मंडे को, ठीक है, और मंडे को वो था वो लोग ड्राई रन कर रहे थे, मतलब टेस्ट रन हो रहा था, तो उसमें क्या था टेस्ट रन में 10 रुपीज उसका एडमिशन रजिस्ट्रेशन चार्ज था, तो मैंने पे कर दिया 10 रुपीज में। मतलब बात हुआ तो बोले कि सर वो एक्चुअली टेस्ट रन कर रहे थे, हम लोग उसी टाइम खुला था और आपने कर दिया, बट यस आई विल टेक इट एज रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन, सो ऑल यू नीड टू डू इज मतलब वो फीस पे करना है 1500 रजिस्ट्रेशन फीस, तो वो पे किया और किट वगैरह मिल गया। तो सिर्फ अभी जो बोल रही थी मृण्मय का फोन आ गया था इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया, तो वही अभी एडमिशन टेस्ट होगा अद्विक का, तो उसके बाद देखते हैं वो कर पाते तो एडमिशन कर देंगे, मुझे लगता है कर लेगा, जितना सिलेबस अपने उन्होंने भेजा तो वो अद्विक को आता है, तो अभी पता नहीं देखते हैं। तो सैटरडे तो ठीक है चलिए अभी घर चलते हैं, और अद्विक का बहुत मन था आने के लिए स्कूल पे बट उसका अभी स्कूल पे आ नहीं पाया क्योंकि आज हम लोग मतलब तुरंत आ गए, मतलब मुझे भी आप लोगों को पता है मुझे भी नहीं पता था, तो ठीक है चलिए वीडियो में बना लिया अद्विक को दिखाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। तो ठीक है चलिए अभी ना, तो रास्ते से जाने के टाइम ना ये वाला शॉप मुझे दिखाई दिया, ये क्रोकरी का सेट है, तो मैंने जैसे प्राइस पूछा ना तो गुड़गांव के प्राइस के डबल है, तो इसीलिए मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि डबल होने का कारण भी है क्योंकि वो लोग भी इतना दूर से ला के यहाँ पे बेच रहे हैं, तो इसका तो थोड़ा सा प्राइस होगा ही ज़्यादा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो अद्विक का अभी 1 बजे मतलब आधा घंटा टाइम है, तो उसको लेके एक बार घर चले जाएंगे, और हम लोग आ गए गौर सिटी में, तो सोचे अभी थोड़ा सा जूस पियेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद अद्विक को लेके जाएंगे घर। तो अभी आ गए जूस के शॉप पे, तो मैंने और मृण्मय ने दोनों ने लिया मौसम्बी का जूस। A few moments later. तो अभी हम लोग घर आ गए अद्विक को लेके, और यहाँ पे मैं नगेट्स को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि अद्विक तो वो मतलब परवल से खाएगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा खाएगा नहीं मतलब थोड़ा सा तो टेस्ट करेगा, तो अभी इसके लिए मैं अभी नगेट्स फ्राई करूंगी। तो चलिए अभी नगेट्स फ्राई करके फिर लंच कर लेते हैं। तो उस टाइम पे लंच करने के बाद थोड़ा सा सो गए थे, मतलब सोए मतलब रेस्ट लिया, और अभी बज रहा है 5:30 और अद्विक गया था डांस क्लास में, तो डांस क्लास से और आप लोग एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए 2
मतलब उस टाइम पे आने के टाइम दो बाउल खरीद के लाए, क्योंकि ऐसे जो बाउल था ना मेरा आने के टाइम, मतलब सुबह क्या हुआ ना, आप लोगों से वीडियो तो कर रही थी बट इतना जल्दबाजी था मैंने शेयर नहीं कर पाए, तो मीनमय के हाथ से जो मेरा ग्लास का ऐसे बाउल था ना वो टूट गया था, तो मुझे आ गया था बहुत गुस्सा, ऐसे टूट गया, मैंने बोला क्योंकि ये सब ना बहुत ज़रूरत का काम होता है, तो चलिए मुझे ही दो दो नया नया मिल गया, फिर मैंने दो आने के टाइम मुझे खरीद के दिया। बट मेरा थोड़ा सा बड़ा टूटा था, मतलब थोड़ा कांच का था, स्क्वायर वाला था, आप लोगों ने शायद देखा होगा मेरे वीडियो में, तो वो था दो टूट गया, तो अभी ये दो, ये इसमें अच्छा है कि इसमें ऊपर ढक्कन है, तो एक था ये और दूसरा वाला थोड़ा बड़ा लाए, और एक है ये, तो हाँ ये है कि नया हुआ और इसमें ढक्कन, मतलब इसमें कवर है, मतलब ढक्कन है इसमें, मतलब ये ज्यादा ही अच्छा है। तो आजविक ना अभी दादा बाबा आजविक आप लोगों को ना कुछ बोलेगा, आप लोग सुनिए है थोड़ा सा, आपको ना एक टेंशन कार्ड बोलेंगे। वो मैं ड्राइंग डांस के आता, पापा दूसरा गाना बैठ के आता सीढ़ी में, पापा गया था छोड़ने, बोलो पापा गया था छोड़ने, और यहाँ पे छुप गया, मैं अकेले अकेले आ गया घर में। हाँ। तो क्या हुआ, इसका इसके डांस क्लास ना मिनमय ले गया था, तो मिनमय ले जाने के बाद ये डांस कर रहा था और मिनमय का कॉल चल रहा है इसीलिए बाहर वेट कर रहा था, तो हम लोग एफ ब्लॉक में रहते हैं और ये डांस क्लास में जाते हैं जी में, तो थोड़ा सा डी में वही तो जो दूसरा ब्लॉक में जाता है, तो वही मतलब वो बाहर कॉल पे था और डांस हो गया मिनमय को, पता नहीं मिनमय जाके दो दो बार देखा उस टाइम पे हुआ नहीं, तो आदमी अकेले ही निकल गया, और ये फर्स्ट टाइम वो खुद से अकेले मतलब किसी लेडी से हेल्प लेके अपने मतलब रूम पे आ गया, और मिनमय को पता भी नहीं वो अकेले आया, तो मैंने मिनमय को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि आदमी आ गया आ जाओ, तो यही आप लोगों को बोल रहा है, तो ये बहुत ही डर गया था फर्स्ट टाइम किया ना, बट इसने बहुत अच्छे से अपना एड्रेस बता के आए, बहुत दिमाग लगा, हाँ बहुत दिमाग लगा के अपना एड्रेस बताया आंटी को, फिर आंटी ने छोड़ दिया ना, गुड बाय। तो ठीक है चलिए अब यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय, तो ठीक है आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तो मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जो लोग नए देख रहे हो मेरे चैनल के, तो ठीक है चलिए बाय बाय, गुड नाइट, तो अभी नहीं हो रहा फिर भी बोल रही हूँ गुड नाइट। तो मैंने तो वीडियो एंड कर दिया था और बाहर जैसे हम लोग जिम पे जा रहे थे और देखा इतना अच्छा मौसम, तो आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर दिया, और Wash us now and fall softly off.